हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सैंपल पेपर रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं, आज पढ़ा रहे क्वेश्चन नंबर 10। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके हाफ अर्ली एग्जामिनेशन के लिए, जो की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी और बड़े यूजफुल क्वेश्चन है आपके हाफ अर्ली एग्जामिनेशन के लिए। तो सभी वीडियोज देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। शाम को 6 बजे वीडियो प्रोवाइडेड करवा देते हैं आपको, तो इन वीडियोज को बहुत ध्यान से कवर भी करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी आपको कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है इसका आप यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्यूशन करें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या करते हैं, इसका आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले बात तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती कैसे, इसको बड़े ध्यान से समझिए। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी यह तो ये लिख लेते हैं, और यह तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी होता है, ठीक है। अभी मैं आपको यूज भी बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया 560 मल्टीप्लाई 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5। ध्यान रखिएगा कभी भी जैसे नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दिए जाए तो सेकंड नंबर होगा उसे या तो 10 या 100 या 1000 से प्लस या माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा 105 दिया गया तो 100 प्लस 5 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 1005 होता तो 1000 प्लस 5 लिखते हैं, या 15 होता तो 10 प्लस 5 लिखते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा जब भी सेकंड नंबर हो तो 10, 100, 1000, 10,000 इनसे ही आपको प्लस या माइनस करके आपको नंबर लाने हैं। अब देखिए सेकंड नंबर भी नोट किया हुआ, उसको भी कैसे करना, यहाँ भी 96 है। अब आप कह सकते हैं सर यहाँ पे 100 में तो प्लस करेंगे नहीं, तो 100 में फिर माइनस कर देंगे, तो 100 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 96। तो बस इसीलिए क्वेश्चन लिया हुआ है कि इसको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, तो इसको हम आपको पढ़ाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए और ध्यान से समझिए कि क्या क्वेश्चन हम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा, 560 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 लिखा हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना आपको, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी इसी फॉर्मूले की हेल्प लेकर करना है। और देखिए ए मल्टीप्लाई बी और प्लस सी लिखा हुआ है ना। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको देखिए कभी भी ब्रैकेट के पहले नंबर हो, ध्यान रखिएगा जैसे हमने पहले यहाँ पर, तो आप इससे कोई मतलब नहीं मिला, नोट कर लिया है 560 लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी ब्रैकेट के पहले नंबर हो तो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। कैसे करेंगे, 560 को मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 560 मल्टीप्लाई 100, आइए देखिए प्लस का साइन तो प्लस लिख लीजिए, फिर लिखेंगे 560 मल्टीप्लाई 5, यानी पहले 560 मल्टीप्लाई 100 में करेंगे वो लिख लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 560 मल्टीप्लाई फिर 5 पे करेंगे तो वो नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए 56 वन जा 56 डायरेक्ट इन मल्टीप्लीकेशन, और जितने टाइम जीरो होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, ये डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो उसको भी सीखते चलिए कैसे। नंबर नंबर का 56 वन जा 56 और जितने जीरो 1 2 3 0 3 0 लगा दीजिए प्लस, और इसका देखिए मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 500 5 6 30 जीरो कह दी 3 5 5 5 5 25 और 328, ठीक। नंबर जो भी है इनको प्लस कर लो 0 0 8 0 8 268 और 5, दैट इज आंसर कंप्लीट। बस इसी तरह आपको सोल्यूशन करना है, मल्टीप्लीकेशन ही करना था लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रूल के अकॉर्डिंग आपको राइट करना था। तो हमने यहाँ पे देखिए नोट कर लिया है और दैट इज आप सोल्यूशन करिए, मल्टीप्लीकेशन करिए, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी तरह। अब देखिए बी क्वेश्चन में क्या होगा, सेम रूल है, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजमेंट नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। अभी मैंने बताया ना आपको जैसे 100 में अगर यहां 105 लिखा तो 100 प्लस कर दिए, यहां बैक हो रहा तो 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे नोट करेंगे देखिए, यहां लिखेंगे 415 मल्टीप्लाई 100 माइनस 6 सॉरी 100 माइनस 4, क्योंकि 4 माइनस करें तो 96 आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 415 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, प्लस लगा चुके हैं, यहाँ माइनस साइन माइनस लगाइए, 415 मल्टीप्लाई 4, ठीक मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो देखिए आप 415 हो जाएगा और 20 लगे तो 20 लगा लीजिए माइनस, और मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 4 5 20 जीरो कैरी 2, 4 1 4 2 6 और 4 4 16 भाई 4 5 20 जीरो कैरी 2, 4 1 4 2 6 4 4 16। अब माइनस करिए, 0 में 0 माइनस करें 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, और 4 में 16 माइनस नहीं होगा, 14 में 6 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे 10 में 1 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पे माइनस करने में रॉन्ग हो रहा है, फिर से देख लेते हैं, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 में 6 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा,
यहाँ 4 आएगा, है ना, क्योंकि 4 हो जाएगा, 4 में 6 माइनस होगा नहीं, कैरी ले लीजिए तो 14 में 6 माइनस करेंगे तो क्या हो 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कैरी दे देंगे, 10 में 1 माइनस करेंगे 9, ये 3, यहाँ पे ये आंसर आएगा 39,840, दैट इज अ राइट आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 करना था, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने इसलिए पढ़ा दी, एक प्लस वाला भी एक माइनस वाला। इस पर ध्यान ये रखना है कि जैसे 100 पे नंबर हो तो 100 से प्लस माइनस करेंगे, और अगर बैक हो रहा तो 100 से प्लस या माइनस करेंगे, तो ये 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो दोनों क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर होगा, कोई डाउट्स भी नहीं होंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाम को क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आते जाए तो लाइक करते चलिए, चैनल पर जो भी बच्चे ना अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर लिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।